खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से है, जहां अग्निकांड की गुत्थी सुलझ गई है। आग शॉर्ट सर्किट से नहीं बल्कि शुभम दीक्षित नाम के सिरफिरे ने प्रेमिका की गाड़ी जलाई थी, जिस कारण लगी आग इतनी फैल गई कि 7 लोग उसमें जिंदा जल गए। आग इमारत में रहने वाली एक युवती के प्रेमी ने लगाई थी, जिसकी युवती से अनबन चल रही थी। पार्किंग में रखी गाड़ियों से ये आग शुरू हुई, भभकी और पूरी इमारत को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। 2 महिलाओं समेत 5 पुरुषों की जलने से और दम घुटने से इस हादसे में मौत हो गई। ये चौंकाने वाला खुलासा मकान मालिक के घर के नजदीक लगे सीसीटीवी फुटेज के जरिए हुआ। सीसीटीवी में आरोपी वाहन में आग लगाता हुआ कैद हुआ है। सूत्रों के मुताबिक जिस युवक ने आग लगाई वो बिल्डिंग में रहने वाली युवती से एक तरफा प्यार करता था। युवती से उसकी कहासुनी हुई थी। इसके बाद आरोपी ने उस युवती के 2 पहिया वाहन में आग लगाने की साजिश रची और यही आग पूरी बिल्डिंग में फैल गई, जिस कारण 7 लोगों की दुखद मौत हुई। इस युवक के खिलाफ हत्या का मुकदमा प्रकरण कायम होगा, क्योंकि जिस तरीके से उसने झगड़ा हुआ, युवती से झगड़ा हुआ, विवाद हुआ और उसके बाद इस तरह की घटना की, इसलिए इसमें कठोर धाराओं में पहले सर कोई धमकी उमकी दिया था क्या, इस तरीके से उसने बातें की थी कुछ जांच में? जैसा मैंने बताया कि पूर्व में इस विषय को लेकर के इनका विवाद हुआ था और साथ साथ इनका कुछ पैसे को भी लेकर के, कुछ 10,000 रुपये के आसपास कुछ पैसे थे उसको भी लेकर के इनका आपस में विवाद हो चुका है, तो इस कारण से इसमें गंभीर धाराओं में प्रकरण का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।